नमस्कार दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है तो हम बनारस में हैं। आपको पता ही होगा, हमने पहले भी ब्लॉग डाला है तो अभी तक हमने जो दिखाया आपको बनारस के रात के दृश्य दिखाया, लेकिन आज हम बनारस का आपको दिन का दिखाएंगे कि दिन में घाटों पर क्या होता है और कैसे भीड़ है और क्या चहल पहल है, उसके बारे में हम दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं जस्ट पीछे हम अभी केदार घाट पर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं केदारनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लोग जल चढ़ाने के लिए लाइन में लगे हुए, क्योंकि आज पहला सोमवार है सावन का। और यहाँ पीछे घाट बना हुआ है नहाने के लिए, सभी यहाँ पर नहा कर उसके बाद जल लेकर ऊपर चढ़ाने के लिए जाते हैं। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं नीचे नहाने वालों की और जल भरकर ले जाने वालों की लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर पुलिस और NDRF की टीम भी लगी हुई है ताकि कोई दुर्घटना घटे उससे पहले उसे रोका जा सके। तो ज़्यादा गहरे पानी में किसी जाने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर बम भोले का जयकारा और हर हर महादेव खूब जोरों से बोला जा रहा है। ये गंगा जी का दृश्य है सामने, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है व्यू। और यहाँ पर सूर्य उदय हो चुका है और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। और यहाँ पर घाटों पर लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर देख तैयार हो रहे हैं। चंदन लगवा लिया है, देख सकते हैं तभी तो लगेगा कि बनारस आए हैं। तो चलिए आपको और घाट भी दिखाएंगे और कुछ नया नया दिखाएंगे जो भी है। मैं यहाँ से आपको हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक दिखाऊंगा। तो ये पहला, ये दूसरा घाट है केदार घाट, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, तो लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। तो चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। अब हम हरिश्चंद्र घाट अब हम केदार घाट से आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी कितने अच्छे घाट हैं। यहाँ पर एकदम बहुत काफ़ी ऊंचे पर बने हुए हैं ताकि अगर बारिश में बाढ़ आए तब भी कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से गंगा का दृश्य भी, यहाँ से भी गंगा का दृश्य बहुत अच्छा है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम नदी में बोट चल रही हैं और स्टीमर चल रहा है और नाव चल रहे हैं। रात के टाइम पर और ही ज़्यादा चलते हैं, लेकिन दिन में अभी थोड़ा कम चल रहा है क्योंकि अभी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, घूम नहीं रहे अभी ज़्यादा। और अब हम इस घाट पहुँचे हैं, इसका नाम है चौकी घाट। ये है हमारा चौकी घाट, देख सकते हैं यहाँ पर लग रहा है चौकियाँ बनी हैं बैठने के लिए, देख सकते हैं आप, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है चौकी घाट। और यहाँ पर लोग देख सकते हैं फोटो खिंचा रहे हैं, मतलब लुत्फ़ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं सब घूमने का और सावन के सोमवार का। और अब हम दूसरे घाट पहुंच चुके हैं, इस घाट का नाम है मानसरोवर घाट। कहते हैं इस घाट पर नहाने से अगर पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो तो वो सही हो जाती है।
और ये है छेमेश्वर घाट, देख सकते हैं यहाँ पर भी लोग नहा रहे हैं। कल हम लोग काशी विश्वनाथ गली से गए थे जिसे बहुत ही लंबा पड़ गया था। आज हम घाट से जा रहे हैं क्योंकि रात में हमने घाटों से देखा था बहुत पास पड़ रहा है रास्ता इसीलिए। सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन घाटों के उस पार भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी भीड़ है। अगर थोड़ा रोशनी कम होती तो ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन तब तक आप देखते रहिए। अब हम आ गए हैं राजा घाट पर। बताया जाता है ये घाट जो शिवाजी महाराज जी ने बनवाया था, देख सकते हैं एकदम राजाओं की तरह आलीशान घाट भी है, बढ़िया पत्थरों से सजा हुआ। ये है राजा घाट का दृश्य, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हैं हम माला हो गया और जो भी चीजें आपको पहनना हो यहाँ पर मिल सकती हैं। पढ़ेंगे तो एक घाट है, इसका नाम है पांडे घाट, आप देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा बना है। यहाँ पर बताते हैं घातक मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर मूवीज़ का बनारस का पुराना रिश्ता, बहुत से मूवीज़ में, भोजपुरी मूवीज़ में, हिंदी मूवीज़ में बनारस को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि देखते हैं अस्सी घाट मूवी आई थी, उसमें भी सनी देओल ने कितना अच्छा रोल किया था, वो भी यहीं पर शूट हुआ था अस्सी घाट पर। और अभी जल्दी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की मूवी आई थी, उन्होंने उनका भी यहीं पर हुआ था ब्रह्मास। रास्ते में एक घाट और पड़ा था जिसका नाम था नारद घाट, कहते हैं उस घाट पे अगर नहाते हैं, अगर कोई आदमी नहा लेता है या कोई औरत नहा लेती है तो उससे क्या होता है कि उसकी हस्बैंड वाइफ की बहुत लड़ाई होती है, और फिर जब उसमें नहा लेता है तो अगर वो मानसरोवर घाट में नहा ले तो सब कुछ सही हो जाता है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। देख सकते कितने ऊँचे ऊँचे बना हुआ है यहाँ पे। अब लोग बताते हैं कि यहाँ दो दो फ्लोर, जब बाढ़ आती है तो दो दो फ्लोर, तीन तीन फ्लोर तक पानी चढ़ जाता है। और इसका नाम है देखिए चौसठी घाट। देख सकते हैं आप उधर भी कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग स्ट्रीमर से जा रहे हैं आ रहे हैं दोनों साइड, जिसको घूमना उधर घूम रहा, जिसको घूमने का मन हो रहा इधर घूम रहा। यहाँ देख सकते हैं चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया बोल रही हैं यहाँ पर। ये है राणा महल घाट, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट अब देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सब घाट एक जैसा है लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस सब में है, कुछ ना कुछ नया है हर घाट पे, कुछ अलग दिखाता है कि हाँ हम अलग हैं उस घाट से। अगर किसी को स्ट्रीमर से घूमना है तो यहाँ पर घूम सकता है, वो 50 रुपये पर पर्सन लेते हैं। वहाँ पर ध्यान रहे हैं, स्कैम भी बहुत होता है, कहीं कहीं वो 50 रुपये तो कहीं कहीं 5,000-3,000 रुपये तक भी आपसे मांग सकते हैं, तो पहले जांचे परखे और तभी यूज करें, क्योंकि हो सकता है आपके थोड़ा आगे बढ़ने से बहुत कुछ हो जाए। और देख सकते हैं यहाँ भी लोग नहा धो रहे हैं आराम से। और अब हम आ गए दशाश्वमेध घाट के जस्ट पास में। यहाँ पर रात में और सुबह गंगा आरती होती है। कल रात में थोड़ा लेट हो गया जिसकी वजह से जा नहीं पाए। इस घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट, आप देख सकते हैं ये इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बनाया गया है। घाट पर इसलिए ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जस्ट सामने है ये घाट,
लोग जिसको भी होता है यहाँ से नहाता है, फिर यहाँ से जल भर कर तो फिर आगे जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाना भजन आरती, जगह जगह पर मंदिर घाट, आपको यही बनारस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अब हम आ गए शीतला घाट। शीतला घाट दशाश्वमेध घाट जस्ट अगल बगल है, देख सकते हैं गाना बजाना बाबा की यहाँ पे चल रहा है। देख रहे हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर। और ये है यहाँ का दशाश्वमेध घाट जहाँ पर गंगा आरती होती है, और यहाँ पर है आपको सबसे ज्यादा पूरे बनारस के पूरे घाटों में सबसे ज्यादा यहीं पर भीड़ देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा भीड़ है, और यहीं से आपको बोट स्टीमर जो भी लेना है यहाँ से मिलता है बहुत आसानी से। देख सकते हैं आप और हम चल रहे हैं ऊपर, पर थोड़ा और आगे आपको दिखाते हैं फिर आगे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी कितनी ज्यादा भीड़ है। रात के समय गंगा आरती के समय यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, लोग देश विदेश से पर्यटक आते हैं यहाँ पर गंगा की गंगा आरती देखने के लिए। रात में यहाँ लाइटें जलती हैं तो और ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर हमने फोटो खिंचवाई है जो निकल रही है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो जिसको भी फोटो खिंचाना है दशाश्वमेध घाट पर आ सकता है, यहाँ पर आकर यहाँ पर बहुत से फोटोग्राफर किसी से भी फोटो खिंचा सकते हैं। तो भैया हैं, 30 रुपये पर फोटो लगता है, और आप अपने मन के पसंद की फोटो कहीं भी खिंचा सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं लोग पूजा करवा रहे हैं गंगा जी की। आप देख सकते हैं आगे जस्ट उसके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, और उसके आगे जस्ट मणिकर्णिका घाट है जिधर मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, हो सकता है बाद में जाऊँ। तो बस आपके लिए, आप लोगों के लिए छोटा सा ब्लॉग लेके आया था जिसमें मैंने सुबह के टाइम पर गंगा जी को दिखाया और गंगा जी के घाटों को दिखाया है। हम अब आगे चलते हैं और आपको अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे कुछ नया होगा तो दूसरे ब्लॉग में लेके आऊँगा। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पे कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि कमेंट करने से मुझे पता चलता रहे कि मैंने क्या गलतियाँ की और क्या सीखने को मिला है मुझे नया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।